हिमाचल में 8 सितंबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्कता बरतेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा पुराने परीक्षा केंद्रों पर इस बार नए सिस्टम से होगी। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। एसपी अजीत सिंह के अनुसार जिला के 2522 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा बराज की बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर और डीएवी स्कूल सिलासी हमीरपुर में ही होगी, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर समेत एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ही आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी ईमेल और मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए 8 सितंबर को लिखित परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। बाल स्कूल हमीरपुर में एडमिट कार्ड संख्या 1 से 800 तथा डीएवी स्कूल सिलासी में एडमिट कार्ड संख्या 801 से 2522 तक के अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अरिजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को बाल स्कूल हमीरपुर और डीएवी स्कूल सिलासी में ही परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर ही एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में आना सख्त मना है तथा एंट्री से पहले पूरी जाँच होगी। गौरतलब है कि गत 16 से 19 जुलाई को पुलिस लाइन मैदान दोसड़का में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा को जिले के 2522 पुरुष और महिला अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया। इसके बाद इन अभ्यर्थियों का चयन 11 अगस्त को लिखित परीक्षा के लिए हुआ, लेकिन 11 अगस्त की परीक्षा में धांधली होने के चलते वे रद्द कर दी गई। अब पुलिस विभाग 8 सितंबर को दोबारा इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए इस बार परीक्षा केंद्रों में ही रोल नंबर देने का प्रावधान है। बैजनाथ के पंडोल रोड में 2 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव का बड़े भव्य तरीके से शुभारंभ हुआ। बैजनाथ के मुख्य सड़क से 500 मीटर तक पंडोल रोड को रंग बिरंगी लाइटों व फ्लोरिसेंट होर्डिंग से जगमगाया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नामी गिरामी गायक कलाकार प्रतिदिन अपनी मनोहारी गायकी से लोगों को आनंदित करेंगे, साथ ही साथ भक्तों को दिव्य झांकियों के माध्यम से ईश्वरीय लीला का दर्शन भी करवाएंगे। गणेश उत्सव कमेटी की सदस्य एवं नपम अध्यक्षा रुचि कपूर ने बताया कि 2 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित द्वितीय गणेश उत्सव में 2 सितंबर से 10 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संगीत में श्री राम कथा आयोजित की जाएगी, जिसका वाचन कथा वाचक पंडित सुनील शाश्वत करेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव में प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रदेश व दूसरे राज्यों से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन गायन व मनमोहक झांकियों का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात से कलाकारों की आई 35 सदस्यीय टीम अपनी प्रस्तुतियों से 1 सप्ताह तक लोगों को भक्ति विभोर करेगी। गणेश उत्सव का आरंभ प्रातः 10 बजे कलश यात्रा से शुरू हुआ, उसके बाद गणेश परिक्रमा व मूर्ति स्थापना की गई। कलश यात्रा पंडोल रोड गणेश पंडाल से होते हुए चौबिंग चौक डाकघर पार्किंग तक आयोजित होगी तथा पुणे गणेश पंडाल पंडोल रोड में आकर पूरी की गई। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को गणपति का बिरनवा नदी के तट पर विसर्जन किया जाएगा तथा उसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। फरवरी 2018 में नैना देवी फॉरेस्ट रेंज में अवैध खैर कटान मामले को लेकर विजिलेंस विभाग द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 फॉरेस्ट गार्ड सहित 1 बीट ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अब 4 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं विजिलेंस विभाग के एएसपी कुलभूषण ने मामले की जानकारी देते हुए अवैध खैर कटान मामले में लिप्त कई और ठेकेदारों व वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग की ये कार्रवाई सलोहा व कोट ब्लॉक के तहत की गई है, जबकि
बड़ो भाखड़ा और बस्ती ब्लॉक को लेकर कार्रवाई की जानी है, जिसके बाद मामले में संलिप्तता पाए जाने वाले कई और वन कर्मियों व ठेकेदारों सहित अन्य लोगों की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद राशन चोरी घोटाले में भाजपा से जुड़े संलिप्त लोगों को बचाने के मामले को दबाने के विरोध में कुमारमी में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी की अगुवाई में रैली निकालकर एसडीएम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के विरुद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शीघ्र राशन चोरी घोटाले की न्यायिक जांच करवाई जाए, अन्यथा घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की पूर्ण जनता सड़कों पर न्याय प्राप्ति के लिए उतरेगी, जिसके प्रति प्रदेश सरकार जवाबदेह होगी।